हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड द न्यूट्यूब। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग लाइटरूम से एडिटिंग कैसे करी जाए। तो लाइटरूम से एडिटिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं नॉर्मल फोटो है, यहाँ पे लाइटरूम से एडिटिंग मैंने जो करी है वो दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल फोटो थी, यहाँ पे एडिटिंग वाली आ गई। तो गाइज, इस तरह फोटो एडिटिंग करना बहुत ईजी है। वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आ चुकी है हम लोग की। अब यहाँ पे हम लोग लाइटरूम में फोटो एडिटिंग करके दिखाएंगे। वो जैसे एडिटिंग करी थी मैंने, वो डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा कैसे एडिटिंग करी जाती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब डिटेल में बताता हूँ कैसे एडिटिंग होती है। यहाँ पे लाइटरूम में फोटो को ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल फोटो आ चुकी है हम लोग की। इसको हम लोग अब ब्राइटनेस पे एडजस्ट करेंगे थोड़ा इसकी। तो यहाँ पे ब्राइटनेस वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे। ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सप्लोरर इसका हम लोग प्लस कर लेंगे। एक्सप्लोरर हल्का प्लस करने के बाद यहाँ पे पहले हम लोग हाईलाइट को कम कर लेते हैं और शेडो को प्लस कर लेते हैं। शेडो को प्लस करने के बाद यहाँ पे हम लोग वाइट को कम कर देंगे और ब्लैक को जस्ट हल्का माइनस कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे बिफोर या आफ्टर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है हम लोग की, अमेजिंग हो चुकी है फोटो। तो यहाँ पे डिटेल आ चुकी है ब्राइटनेस में, हम लोग ब्राइटनेस एडजस्ट कर चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पे बिफोर या आफ्टर आपको दिखा दूँ। बिफोर या आफ्टर देख सकते हैं, तो इसका हम लोग एक्सप्लोरर हल्का और प्लस कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कर्व क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट वाला वाइट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके हम लोग एरो को नीचे कर लेंगे। यहाँ पे नीचे करने के बाद देख सकते हैं फोटो अब हम लोग की और डिटेल हो गई है। तो ये हो गया। इसके बाद कलर वाले पे क्लिक करेंगे। बिफोर या आफ्टर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग कलर वाले पे क्लिक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कलर वाले पे क्लिक करेंगे जल्दी से हम लोग। कलर वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग टीम को थोड़ा माइनस कर देंगे और टेम्परेचर को भी जस्ट हल्का माइनस कर देंगे। यहाँ पे ब्लू और ग्रीन की कॉम्बिनेशन में रहेगी फ़ोटो को, तो इसको हम लोग हल्का हल्का माइनस कर देंगे। उसके बाद वाइब्रेशन को प्लस कर लेंगे और मिक्स वाले पे क्लिक करेंगे गाइज। मिक्स वाले पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन रेड का है। रेड पे हम लोग ल्यूमिनस प्लस करेंगे और सैचुरेशन को जस्ट हल्का प्लस करेंगे और जस्ट उसके ऊपर वाले को भी हल्का प्लस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ऑरेंज वाले पे आएंगे, इसका ल्यूमिनस प्लस कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग येलो वाले पे क्लिक करेंगे। येलो वाले का ल्यूमिनस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है येलो वाले का ल्यूमिनस माइनस करते ही। इसके बाद सैचुरेशन को हल्का माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे हम लोग। ग्रीन वाले पे क्लिक करके देख सकते हैं ल्यूमिनस को प्लस कर लेंगे। ल्यूमिनस को प्लस करते हैं, काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है। इसके बाद सैचुरेशन को जस्ट हल्का माइनस कर देंगे, ह्यू को भी माइनस कर देंगे। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं अब काफ़ी अच्छा लुक नज़र आ चुका है। तो यहाँ पे आप इसके आगे का स्टेप स्काई ब्लू वाले का ल्यूमिनस और सैचुरेशन जस्ट हल्का हल्का माइनस कर देंगे। इसके बाद ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे। ब्लू वाले का सैचुरेशन जस्ट हल्का माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप यह रहेगा, हम लोग का आगे का जो ऑप्शन रहेगा उसको भी हल्का माइनस कर देंगे और लास्ट वाले का भी हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे सैचुरेशन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे एक नया लुक आ जाएगा। तो गाइज, बिफोर ये आफ्टर काफ़ी अच्छा लुक नज़र आ चुका है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग दी है मैंने, लाइटरूम से काफ़ी अच्छी एडिटिंग करके दिखाई है। तो इसके आगे का स्टेप और भी दो तीन स्टेप है, उसको देखिए। यहाँ पे स्क्वायर वाले पे क्लिक करेंगे, इसका हम लोग टेक्सचर एंड क्लैरिटी जो रहेगी क्लैरिटी को प्लस कर लेते हैं और डिजिट को भी प्लस कर लेंगे। विंटेज को माइनस कर देंगे गाइज। यहाँ पे विंटेज को माइनस करते देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग लग रही है हम लोग की फोटो। साइड साइड शेडो आ चुकी है, इसका हम लोग मेन पॉइंट भी कर्म कर देंगे और राउंडनेस ऑफ फेदर को भी हम लोग हल्का हल्का माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग की जो प्रोटेक्ट बॉडी पे रहेगी साइड साइड ब्लैक भी आ जाएगा, बॉडी पे चारा प्रोटेक्ट रहेगा। इसके बाद हाईलाइट को हम लोग प्लस कर लेते हैं। हाईलाइट को प्लस करते देख सकते हैं फोटो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसके बाद रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग, इसका शार्पिंग प्लस करेंगे। शार्पिंग प्लस कर देते हैं और राउंडनेस डिटेल को भी हल्का हल्का प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे बिफोर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा दूँ जल्दी से। यहाँ पे बिफोर या आफ्टर काफ़ी अच्छा फोटो एडिटिंग हो चुका है हम लोग का। ब्लैक टोन में काफ़ी अच्छा शेड आ चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए गाइस। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया और लाइक करके जाइएगा गाइस। We'll be right back.